प्रत्येक कार्यक्रम के पहले हम सभी गुरु वंदना करते हैं, यानी गुरु को वंदन करते हैं। समर्पण ध्यान इस गुरु वंदना से अलग नहीं है। लेकिन हम गुरु वंदना करते हैं, गुरु वंदना करने की नहीं, मानने की आवश्यकता है। गुरु वंदना करना मुख से होता है, शरीर से होता है, और मानना आत्मा का भाव है। यानी समर्पण ध्यान में गुरु को आत्मा से मानते हैं। गुरु के माध्यम से सामूहिकता के साथ जुड़ना विश्व चेतना के साथ जुड़ना समर्पण ध्यान है। समर्पण ध्यान दो शब्दों से निर्मित है, एक है समर्पण और दूसरा है ध्यान। इसके अंदर एक शब्द कठिन है, एक शब्द आसान है। समर्पण शब्द कठिन है, ध्यान शब्द आसान है। वास्तव में समर्पण करना होता है और ध्यान हो जाता है। यानी दो शब्दों से संपूर्ण समर्पण ध्यान बना हुआ है। ध्यान आत्मा का भाव है। ध्यान में कुछ भी करना नहीं होता, कुछ नहीं करना ही ध्यान है। लेकिन हमें जीवन भर कुछ ना कुछ करने की आदत सी हो गई है, इसलिए हम हमारे मूल स्वरूप में, हमारे स्वाभाविक रूप में नहीं आ पाते हैं। और जब
हम स्वाभाविक रूप में आते हैं, नैसर्गिक रूप में आते हैं, प्राकृतिक रूप में आते हैं, तो ध्यान स्वयं ही लग जाता है, ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। हां, समर्पण करने की आवश्यकता है, समर्पण करना है परमात्मा के प्रति, समर्पण करना है सामूहिकता के प्रति, समर्पण करना है कलेक्टिविटी के प्रति, यानी जिस प्रकार से कोई भी गुण कहीं पे भी गिरे अंततः वो समुद्र तक ही पहुंचती है, ठीक इसी प्रकार से आप ध्यान किसी भी माध्यम से करें, आप ध्यान किसी भी तरीके से करें, आप ध्यान किसी भी जगह करें, आप ध्यान किसी भी समय करें, ध्यान सदैव परमात्मा का ही होता है, परमेश्वर का ही होता है। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, करने की पद्धतियां अलग अलग हो सकती है, करने के स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है, सबका एक ही स्थान है, सबका एक ही उच्च शिखर है जहां तक सभी को पहुंचने का है। सवाल ये आता है, हमको कौन सी पद्धति सूट करती है, हम किस पद्धति से आसानी से कर सकते हैं। प्रत्येक के लिए अलग अलग पद्धतियां हैं, प्रत्येक के लिए अलग अलग माध्यम है, अलग अलग मार्ग है। आप जिसे अन्य मार्गों को जानते हैं, अन्य मार्गों के बारे में आपको पता है, ठीक उसी प्रकार से समर्पण ध्यान भी एक मार्ग है, समर्पण ध्यान भी एक पद्धति है। इस पद्धति से भी ध्यान किया जाता है, इस पद्धति से भी प्रभु की आराधना की जाती है, इस पद्धति से प्रभु की उपासना की जाती है, ये भी एक पद्धति है। तो अगर आप कोई पद्धति को अवलंब कर चुके हो और उस पद्धति से आप परमात्मा तक पहुंच गए हो, परमात्मा की अनुभूति आपको हो गई है, तो ये नई पद्धति को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं खोज रहे हो, आप कहीं ढूंढ रहे हो, आप पहुंचे नहीं हो, तो इस पद्धति में आपका स्वागत है, क्योंकि मेरे गुरुओं ने मुझे जब समाज में भेजा तो साथ में कहा था, जो व्यक्ति एक मार्ग पे चल चुका है, कुछ मिलों तक चल चुका है, उसको वापस बुलाने की आवश्यकता नहीं है, जो जिस रास्ते पे चल रहा है उसको चलने दो, तुम समाज में आकर उन लोगों को रास्ता बताओ, उन लोगों को पद्धति बताओ, उन लोगों को मार्ग बताओ जो खोज रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने को ही प्रश्न पूछो, क्या आप पहुंच गए हैं? अगर पहुंच गए तो फिर खोज नहीं होना चाहिए, ढूंढना नहीं होना चाहिए, भटकना नहीं होना चाहिए, बाहर देखना नहीं होना चाहिए। और अगर ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, भटक रहे हो, इसका सीधा अर्थ है कि अभी पहुंचे नहीं हो। दो में से एक जगह, अपनी जगह पहले निश्चित कर लो, पहुंचे हो या पहुंचना बाकी है, उसी के ऊपर आपकी प्रगति
आपका प्रोग्रेस निश्चित होता है। जिस प्रकार से मैं बचपन में परमेश्वर की खोज के लिए निकला था, तब कबूल किया था कि परमेश्वर को पाया नहीं है, परमेश्वर मिला नहीं है, परमेश्वर की अनुभूति हुई नहीं है, पर परमेश्वर को खोजना चाहता था, परमेश्वर को जानना चाहता था, परमेश्वर को अनुभव करना चाहता था। तो पहले कबूल किया कि परमेश्वर को पाया नहीं है, इसीलिए खोज रहा हूं। तो खोजो तो प्रामाणिकता से खोजो। मेरी नानी कहा करती थी, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, और परमात्मा कल भी रहेगा। परमात्मा एक विश्व चेतना है, जो विश्व चेतना कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। तो मुझे खोज आज के परमात्मा की थी, मैं ढूंढने आज के परमात्मा को निकला था, आज के परमेश्वर को खोजने निकला था, और पहले निश्चित कर लिया था कि परमेश्वर को पाया नहीं है, परमेश्वर को प्राप्त तो नहीं किया है, और परमेश्वर को जब खोजने निकला, परमेश्वर को जब ढूंढने निकला, तो अपने हृदय के पट पूर्णतः खोल लिए थे, परमात्मा को किसी भी रूप में ग्रहण करने को तैयार था, जिस रूप में मिल जाए उस रूप में ग्रहण करने को तैयार था, परमेश्वर को किसी भी स्थान पर ग्रहण करने को तैयार था। इसलिए अलग अलग स्थानों पर भटका, अलग अलग जगह गया, अलग अलग तीर्थ क्षेत्र गया, यानी किसी भी रूप में लेने को तैयार था, किसी भी स्थान पर लेने को तैयार था, किसी भी माध्यम से लेने को तैयार था, किसी भी माध्यम से परमात्मा मिल जाए, किसी भी माध्यम से परमात्मा की अनुभूति मिल जाए। जितने हम अपने हृदय के दरवाजे खोलते चले जाते हैं, उतने ही हमारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो अगर परमेश्वर की प्राप्ति चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, परमेश्वर की अनुभूति चाहते हो, तो उसके लिए आपको सब दरवाजे खोलना पड़ेंगे, कोई कंडीशनिंग नहीं चाहिए। मैं इसी तरीके से लूंगा, मैं इसी माध्यम से लूंगा, मैं इसी स्थान पे लूंगा, इसी जगह लूंगा, कुछ नहीं। आप सब दरवाजे अपने खोल दो। जितने आप आपके दरवाजे खोलोगे, जितने आप अपने आप को विकसित करोगे, जितने आप आपको लेने की क्षमता विकसित करोगे, उतनी ही आपकी भी ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। तो पहला है, प्रभु के प्राप्ति में कोई कंडीशनिंग नहीं होना चाहिए। पता नहीं किस रूप में आ जाए, किस माध्यम से आ जाए, किस स्थान पे भेंट हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए सबको ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, सबके लिए अपने हृदय खोल दो, और उसके लिए सारी सीमाएं लांघ दो। कोई सीमा नहीं होना चाहिए, कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। ऐसा अपने आप को खुले करने में जितने आप सक्षम हो जाओगे, उतने ही अनुभूति मिलने के चांसेस अधिक से अधिक हो जाएंगे। बचपन में मैंने नरसिंह अवतार की कहानी पढ़ी थी। नरसिंह अवतार एक खंभे में से प्रकट हुए थे। अब एक खंभे में से प्रकट हुए यानी उससे ये जाना कि परमात्मा सदैव अलग अलग रूपों में आता है। नरसिंह अवतार इसके पहले
कभी नहीं हुआ था ना उसके बाद में कभी हुआ। इसका मतलब प्रत्येक दफे उसका रूप अलग होगा। प्रत्येक दफे उस रूप की पुनरावृत्ति नहीं हुई, यानी उसी रूप को अगर लेकर आप बैठे रहो तो आप सोचो उसी रूप में फिर परमात्मा आएगा, उसी रूप में फिर परमेश्वर आएगा, तो कभी भी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, फिर से वही रूप कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो रूप कल का रूप था, आज आज का रूप है। तो सदैव अगर आप आज में रहते हो, सदैव आप वर्तमान में रहते हो, सदैव आप प्रेजेंट में रहते हो, तो ही वर्तमान में जो स्वरूप है वो स्वरूप आपको प्राप्त हो सकता है, परमेश्वर का वर्तमान का रूप आपको प्राप्त हो सकता है। अनुभूति एक जीवंत प्रक्रिया है और जीवंत प्रक्रिया घटित होने के लिए जीवंत माध्यम की आवश्यकता है, जीवंत स्वरूप की आवश्यकता है, और जीवंत स्वरूप वर्तमान का स्वरूप है। इसलिए किसी रूप के कंडीशन पे भी मत जाओ कि उसी रूप में मिलना चाहिए। मैंने भी कोई रूप का सीमा नहीं रखा था कि इसी रूप में मिलना चाहिए, परमेश्वर के बारे में कोई धारणा नहीं बनाई थी कि परमात्मा यानी ये। तो मेरे हृदय के फ्रेम के अंदर कोई भी परमात्मा का स्वरूप नहीं था, कोई रूप नहीं था, प्रत्येक रूप को ग्रहण करने को तैयार था। ऐसे ढूंढते ढूंढते जब गुरुदेव के सानिध्य में गया, और गुरुदेव के सानिध्य में जाने के बाद परमात्मा की अनुभूति हुई, और अनुभूति होने के बाद सारी खोज, सारी भटकन समाप्त हो गई और अंतर यात्रा शुरू हुई, अंदर की यात्रा शुरू हुई, इनवर्ड जर्नी चालू हुई। फिर परमात्मा को खोजना, परमात्मा को ढूंढना सब बंद हो गए। मेरे गुरुजी भी परमात्मा नहीं थे ये मुझे मालूम था, क्योंकि कोई भी शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो पता था, जानता था कि ये परमेश्वर नहीं है, फिर भी उनको परमेश्वर माना। बस यही सकारात्मक दृष्टिकोण हमें प्राप्त होता है, जान के भी, क्योंकि कोई भी शरीर परमेश्वर नहीं हो सकता, जान करके भी उनको परमेश्वर माना, क्योंकि परमात्मा का अनुभूति मेरे को उन्हीं के माध्यम से मिला था, मेरे लिए वही परमेश्वर हो गए, मेरे फ्रेम के अंदर उन्हीं का चित्र अंकित हो गए। तो ऐसा कोई माध्यम, ऐसा कोई जीवंत माध्यम आपके जीवन में भी आए, और आपके जीवन में भी कोई भीतर की यात्रा शुरू हो, कोई अंदर की यात्रा शुरू हो, जब ऐसी यात्रा शुरू होगी तब वास्तव में आपका सचमुच का जीवन प्रारंभ होगा। वो जीवन प्रारंभ होगा जो जीवन जीने की इच्छा से आपने
इस मनुष्य योनि में जन्म लिया है। इस मनुष्य योनि में आने का उद्देश्य उस जीवन को प्रारंभ करना है। वे जीवन आपके भीतर की यात्रा में सहायक होता है, लेकिन ये भीतर की यात्रा तब तक चालू नहीं हो सकती, तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक आपकी दृष्टि को कोई परावृत्त करने वाला, आपके दृष्टि को कोई मोड़ने वाला, अंदर की तरफ दिशा देने वाला कोई माध्यम, कोई चेतना का पुंज, कोई सामूहिक शक्ति का आधार आपको प्राप्त नहीं होता, तब तक ये भीतर की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। इसलिए वो प्रारंभ होने के बाद आप आपके ही आनंद में, आप आपके ही मस्ती में डूबे रहोगे।